बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो ड्रेस हम यहाँ पे रिक्रिएट करने जा रहे हैं, हानिया आमिर का इंस्पायर्ड ड्रेस है जिसे मैं रिक्रिएट करूँगी। वैसे तो ये ड्रेस डिजिटल प्रिंटिंग पर है, लेकिन मैं इसे सिल्क प्रिंटिंग के साथ जो है डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ एक खूबसूरत कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि आप कहाँ कहाँ से मुझे मेरी वीडियोस को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बटर पेपर के ऊपर स्केच ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। मैं सबसे पहले जो स्केच होता है उसे स्केच बुक पर ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद उसे बटर पेपर पर ट्रेस करके ट्रेस करने के बाद फिर मैं उसे फैब्रिक के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करती हूँ। और फैब्रिक के ऊपर कैसे हम डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करेंगे, इसको कैसे ट्रेस करेंगे, उसका मैंने मेरी आप मेरे चैनल पे वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि हम डिज़ाइन को बटर पेपर से फैब्रिक पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे जो है वो स्केच को ड्रॉ कर लिया था, ट्रेस कर लिया था। उसके बाद अभी गोटा कॉर्न होती है, ग्लिटर कॉर्न है गोल्डन कलर की। इस ग्लिटर कॉर्न की मदद से मैंने जो भी स्केच बनाया है फैब्रिक पे, सिल्क का फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर हम इसको गोटा कॉर्न की मदद से पूरी आउटलाइन दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे आउटलाइन देते हुए मैं इस बात का ध्यान रखना है कि आउटलाइन हमारी कहीं से भी ब्रेक ना हो और एक इवन फ्लो में चले, कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो। उससे क्या होगा कि सिल्क का फैब्रिक है, इसके ऊपर हम जब सिल्क प्रिंट अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये जहाँ से ब्रेक हुई हुई होती है तो कलर जो है वो आउट होने का खदशा होता है, और जब आउट हो जाते हैं तो फिर उनको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि गोटा कॉर्न चलाते हुए बहुत एहतियात से और बहुत आराम से काम करें और इसे देखें कि कहीं से ब्रेक ना हो, ये अच्छी तरह से जो है वो कवर करती हुई जाए आपके डिज़ाइन को। मैंने कोशिश की थी कि बहुत अच्छी तरह से इसे अप्लाई करूँ, लेकिन मुझसे भी कहीं कहीं थोड़ा सा ये हो गया था। एक हाथ फ्लावर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जो है वो कलर स्प्रेड हो रहा था, लेकिन मैंने उसे बैलेंस कर लिया था। आप वो भी देखिएगा, अगर तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं तो ये अगर कहीं से कलर आउट होता है तो फिर आप उसे खुद ही बैलेंस कर लेंगे। फिर अच्छा, यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, ये सिल्क प्रिंट के कलर्स होते हैं, ये ग्रीन कलर है। इसकी टेक्निक ये होती है कि आपका जो भी मोटिव है, आप चाहे लीव्स बना रहे हैं या फ्लावर्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके सेंटर में जो है उसको सेंटर से शो करें, यानी उसके कॉर्नर से शो ना करें, आउटर से शो ना करें, इनर साइड पे आप एक ड्रॉप आप डालेंगे तो स्प्रेड होता हुआ सारे मोटिव तक, जहाँ तक आपकी गोटा कॉर्न होगी वो फैलता चला जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा और कवर कर लेगा जगह। अच्छा, यहीं पे पता चलता है कि आपने गोटा कॉर्न सही तरह यूज़ किए या नहीं। अगर आप आपकी कॉर्न सही आपने अप्लाई की होगी तो कलर स्प्रेड नहीं होगा आपकी कॉर्न से आउटलाइन से बाहर, लेकिन अगर कहीं से भी आपकी गोटा कॉर्न सही नहीं अप्लाई हुई भी होगी तो वो बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, ग्रीन कलर करने के बाद मैं इसके ऊपर येलो कलर का जो है येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ शेडिंग के लिए। जब आप इसको येलो कलर अप्लाई करेंगे तो इसमें एक शेडिंग आ जाएगी बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैंने सारे लीव्स इसके कंप्लीट कर लिए और ये देखिए वोटर कॉर्न मैंने अप्लाई की है पूरे डिज़ाइन को। अब हम
इसके फ्लावर में कलर करेंगे। यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, रेड का शेड है ये 013, बहुत खूबसूरत शेड है। और ये हमारे पास है ऑरेंज का शेड है 07, और ये हमारे पास येलो कलर है 04। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑरेंज और येलो सेम लगेगा, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों कलर में, लेकिन यहाँ पे वो तकरीबन सेम ही आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ 12 नंबर का, आपको जो भी इजी हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राउंड ब्रश अच्छे से कवर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम रेड देखें, रेड कलर लेके और उससे जो है आपका जो भी फ्लावर है उसके जो है पेटल के आप सेंटर में कलर ड्रॉप करें, तो कलर स्प्रेड होता हो उसको कवर कर लेना। इसके कॉर्नर पे जो थोड़े से कॉर्नर हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मैं जो है वो ऑरेंज कलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ शेडिंग के लिए। जब आप यहाँ पे ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत सा इसका शेड हो जाएगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा मिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप कलर्स के ऊपर कलर अप्लाई करते जाते हैं ऑटोमेटिकली कलर जो है वो एक मिक्सिंग की फॉर्म में आता जाता है, वो वैसे खूबसूरत लगता है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसी तरह बाकी सारे जो पैटर्न्स हैं मैं उसमें भी इसी तरह कलर्स कर दूँगी, पहले रेड कलर और रेड कलर करने के बाद उसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे मैं ऑरेंज कलर जो है वो कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये कलर जो है वो आउट हो रहा है, यहाँ से सही शायद बूटा कॉन अप्लाई नहीं हुई थी तो कलर आउट हो रहा है, लेकिन ये देखें इसे मैंने सेट कर दिया, कवर हो गया और देखने में भी ये बुरा नहीं लग रहा। अब आप इसी तरह सारे फ्लावर में मैं इसे कलर कर लूंगी। अब जो है ये फ्लावर का सेंटर है, सेंटर में हम जो है यहाँ पे पहले येलो कलर पूरा पैटर्न अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रेड का टच देंगे, रेड कलर का, ये देखें। बाकी ये दोनों पैटर्न्स को भी हम ऐसे ही पहले येलो कलर से फिल करेंगे और उसके बाद उसमें रेड से शेडिंग। अच्छा, यहाँ पे इसकी नेक लाइन जो है वो नेक लाइन पे थोड़ा सा काम था, तो यहाँ पे मैंने आर से जो है इसकी चेन स्टिच बना रही हूँ राउंड में। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई जो आपकी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप इसका इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये राउंड नेक लिया है और उसे चेन स्टिच से बना रही हूँ। अच्छा, चेन स्टिच कंप्लीट होने के बाद अब एक इंच के गैप से मैंने एक लाइन मार्क कर ली और उसके अंदर
रैंडमली हम जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स जो है क्रिस्टल बीड्स पर्ल और डिफरेंट बीड्स को जो है वो रैंडमली लगाते जाएंगे और दरअसल हमें इसकी ना एक तरह से फिलिंग करनी है एक इंच के बॉर्डर के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पे ये मैं क्रिस्टल बीड्स यूज़ कर रही हूँ ड्रॉप शेप में और मैं इसे बस लगाती जा रही हूँ रैंडमली। यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे ये दूसरे बीड्स है और ये लाइट ग्रीन कलर में बहुत खूबसूरत शेड है इसमें बहुत प्यारा भी लग रहा था। अच्छा ये क्रिस्टल बीड्स से साइज में थोड़े से बड़े हैं इन्हें भी मैं ऐसे ही कंप्लीट लगा लूँगी जहाँ जहाँ पे स्पेस है। अच्छा यहाँ कम ये लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे पर्ल के बीड्स यूज़ कर रही हूँ देखा इनका साइज और ये भी मैं इसी तरह से कहीं कहीं पे इनको लगाते हुए चली जाऊँगी। अच्छा यहाँ पे ये पर्ल के बीड्स लगाने के बाद जो जगह आपको नज़र आ रही है जो स्पेस खाली है उसके अंदर मैंने इसी तरह के पर्ल के बीड्स और क्रिस्टल बीड्स वगैरह और सीक्वेंस वगैरह जो भी मेरे पास मटेरियल था इससे रिलेटेड वो सब मैंने इसके अंदर लगा दिया और इसको मुकम्मल फिल कर दिया। तो आपके पास भी इस तरह से जो भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। ये इसकी कंप्लीट एक लुक है और देख सकते हैं। अच्छा ये इसकी फाइनल लुक है ये स्टिचिंग के बाद का पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसके फ्रंट पे बिल्कुल वही काम है जैसा हानिया हमें के आउटफिट पे है और इसके स्लीव्स पे भी और इसकी नेक लाइन पे भी। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक खूबसूरत सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।